रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में दिनों दिन बढ़ रहे दोपहिया वाहन चालकों के हादसों को देखते हुए हमीरपुर पुलिस ने अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए दो हेलमेट लगाने के फरमान जारी किए हैं, जिसके चलते दोपहिया वाहन में दोनों सवारियों को अब हेलमेट पहनना होगा। हालांकि दो दिन पहले से जारी किए गए फरमान के तहत अभी तक हमीरपुर जिला में दोपहिया वाहन चालकों में दो हेलमेट पहनने का कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। हमीरपुर में दिनों दिन बढ़ रहे दोपहिया वाहन चालकों के हादसों को देखते हुए हमीरपुर पुलिस ने अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए दो हेलमेट लगाने के फरमान जारी किए हैं, जिसके चलते दोपहिया वाहन में दोनों सवारियों को अब हेलमेट पहनना होगा। हालांकि दो दिन पहले से जारी किए गए फरमान के तहत अभी तक हमीरपुर जिला में दोपहिया वाहन चालकों में दो हेलमेट पहनने का कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करने का काम कर रही है। पुलिस के द्वारा जारी किए गए फरमान के चलते सभी ट्रैफिक कर्मी दोपहिया वाहन चालकों को दो दो हेलमेट लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने पहले जुलाई तक दो हेलमेट न होने पर चालान नहीं करने के बजाय जागरूक करने का अभियान चलाया है, लेकिन इसके बाद पुलिस सख्ती पेश करते हुए वाहन चालकों के चालान काटेगी। स्थानीय लोगों ने भी दोपहिया वाहनों में दो दो हेलमेट पहनने का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि हालांकि ये फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन कई बार लिफ्ट मांगने पर दोपहिया वाहन चालक को परेशानी हो सकेगी। जिस तरह से जो चलाने वाला है उसकी जान सुरक्षित होगी, उसी तरह से जो पीछे बैठी सवारी है उसकी भी जान सुरक्षित होगी हेलमेट लगाने से। और हम सभी को इसका जो है सम्मान करना चाहिए कि और इसको अपने जीवन शैली के अंदर अपनाना चाहिए कि सभी रेगुलर हेलमेट लगाएं और अपनी जान और जोखिम को बचाएं। लोगों की सुरक्षा का जो मुद्दा है, सही कर रही है पुलिस भी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कई बार लोगों को समस्या आती है। जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे लोग जाते हैं, कोई लिफ्ट मांग रहा है, कोई बुजुर्ग जाते हैं, हम डाक वाले पे जाते हैं, तो बुजुर्ग मांग रहा है, अब उनको हम नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि अब उनको भी हेलमेट हो तो कोई अपने साथ लेके चलेगा नहीं। लेकिन ऐसा कि ओवरऑल ये फैसला ठीक है, लेकिन ये कि लोगों को थोड़ा सा मानवीय उस आधार पर भी देखना चाहिए कि जैसे जैसे आप जो दोपहिया वाहन वाले जैसे छोटे छोटे गाँव में जो लोग जाते हैं तो उनको जो लिफ्ट देते हैं लोग ना, तो उनको लिफ्ट देना बंद हो जाएगी, तो लोगों को इससे समस्या तो जरूर आएगी, लेकिन ओवरऑल ये डिसीज अच्छा है, इसको हम नहीं मानेंगे।